ओम गण गणपति नमः। जय श्री कृष्णा। वैशाख का पवित्र महीना आरंभ हो चुका है। इस माह में सुने जाने वाली वैशाख महात्म्य का आज से मैं पाठ आरंभ कर रही हूँ। वैशाख महात्म्य पद्म पुराण के अनुसार और स्कंद पुराण के अनुसार अलग अलग है। तो आज सबसे पहले हम पद्म पुराण के अनुसार वैशाख महात्म्य के प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ आरंभ करने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। तो अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। आज के इस पाठ में हम जानेंगे भगवत भक्ति के लक्षण और वैशाख स्नान की महिमा। इस वैशाख महात्म्य को सबसे पहले विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी जी को सुनाया था, फिर यह ब्रह्मा जी को सुनाया गया और ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया। वैशाख महात्म्य भगवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा। अम्बरीश बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु के सगुण और निर्गुण ध्यान का वर्णन किया, अब आप भक्ति का लक्षण बतलाइए। साधुओं पर कृपा करने वाले महर्षि, मुझे यह समझाइए कि किस मनुष्य को कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के ये वचन सुनकर देवर्षि नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले, राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई गई है, मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौकिकी, वैदिकी और आध्यात्मिकी। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है उसे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा आरण्यक आदि के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है उसका नाम वाचिकी भक्ति है। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना शरीर से साध्य होने के कारण कायिकी भक्ति कहलाती है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है पाद्य, अर्ध्य आदि उपचार, नृत्य, वाद्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप, संहिताओं के अध्ययन आदि तथा हविष्य की आहुति, यज्ञ, याग आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिकी भक्ति है। विज्ञ पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषुव अर्थात तुला और मेष राशि की संक्रांति आदि के दिन जो याग करने का आदेश दिया है वह वैदिकी भक्ति का साधक है। अब मैं योगजन्य आध्यात्मिक की भक्ति का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। योगज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया जाता है, विषयों से अलग रहता है। वह ध्यान में देखता है भगवान का मुख अनंत तेज से उद्दीप्त हो रहा है, उनकी कटी के ऊपरी भाग तक लटका हुआ यज्ञोपवित्र शोभा पा रहा है, उनका शुल्क वर्ण है, चार भुजाएं हैं, उनके हाथों में वरद एवं अभय की मुद्राएं हैं, वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं, वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष
अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है, जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्यदेव अंधकार का विनाश कर डालते हैं, राजन देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रतानुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतरकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। नरनाथ जिनमें पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं तथा वे ही यथार्थ, वे ही लाभ पहुंचाने वाली और वे ही हरि भक्तों के कहने सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले धीरचित्त महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एकतान हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्टिक बुद्धि श्री कृष्ण चंद्र जी की पुण्यमयी लीलाओं के श्रवण में प्रवृत्त हो रही है। भूपते, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकारवश अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे हो सकता है? भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इस बात को तुम भी जानते हो। राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो, उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझ जैसे लोगों को आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याणमय गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्य में नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्रीहरि के स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के ही स्वरूप हैं। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले वे विश्वरूप भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न भोजन करते हैं। इसीलिए जिनकी चरण रेणु तीर्थ के समान है, भगवान अनंत ही जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मी के सर्वस्व हैं, उन ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मणों को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। यह वैशाख का महीना उपस्थित है, जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। इसकी भी आज शुक्ला सप्तमी है।
इसमें गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जनु ने वैशाख शुक्ला सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जहुन की कन्या होने के कारण गंगा को जाह्नवी कहते हैं। इस तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेखला भूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है वह मनुष्य धन्य एवं पुण्यात्मा है। जो वैशाख शुक्ला सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती हैं तथा वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है तथा गंगा के सदृश दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर के जटाजूट में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। वे अपने तीन स्त्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पवित्र करती रहती हैं। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है। वे सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्त जनों के अंतःकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने की लीला से सुशोभित होने वाली, सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा तीनों मार्गों से प्रवाहित होने वाली हैं। गंगा देवी तीनों लोकों का श्रृंगार हैं। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती रहती हैं। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा 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 इस प्रकार उच्चारण करते हैं उनके तीनों जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती हैं। जो मनुष्य हजार योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। राजन, वैशाख शुक्ला सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान श्री विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव वैशाख के समान महीना और माधव विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम देते हैं। वैशाख मास, जिसे माधव मास कहा जाता है, माधव मास में जो भक्तिपूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे उत्कृष्ट हैं, उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती जी, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और सर्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभेदान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय से तथा पुण्यों का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, उस समय जो स्नान दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है उसका पुण्य परार्ध गुना अधिक होता है। संख्या की पराकाष्ठा का नाम परार्ध है। आधुनिक गणना के अनुसार यह संख्या शंख या महाशंख कहलाती है। माघ मास में
जब मकर राशि पर सूर्य हो तो कार्तिक की उपेक्षा भी हजार गुना उत्तम फल होता है, और वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। वे ही मनुष्य पुण्यात्मा और धन्य हैं जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महात्म्य अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान ही अश्वमेध यज्ञ के समान विहित है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होगी, अतः वे अश्वमेध के पुण्य को, जो स्वर्ग और मोक्ष रूप का फल प्रदान करने वाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतएव कलयुग के लिए अश्वमेघ का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया। तो इस प्रकार पद्म पुराण के अनुसार वैशाख मास महात्म्य का ये प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसमें भगवत भक्ति के लक्षण और वैशाख स्नान की महिमा का वर्णन किया गया है। अगर आपको ये पाठ पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, ओम नमो नारायण, राधे राधे जो आपकी इच्छा हो अवश्य लिखें। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए नारायण नारायण।